देश के लिए अपनी शहादत देने वाले वीर सपूतों के बच्चों के लिए जिला सोलन के नौणी स्थित चिन्मय विद्यालय ने मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया है। शहीदों की याद में कैंडल मार्च के दौरान स्कूल के निदेशक डॉक्टर सुनील ने कहा कि उनका स्कूल न सिर्फ पुलवामा में शहीद हुए जवानों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देगा, बल्कि अभी तक देश के लिए जितने भी जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है उनके बच्चों को भी मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। इतना ही नहीं, मुफ्त शिक्षा के साथ साथ बच्चों के लिए बोर्डिंग की भी सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। आपको बता दें कि पुलवामा में शहीद हुए जवानों को चिन्मय विद्यालय नौणी के छात्र छात्राओं ने नौणी वासियों के साथ बाजार में कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बच्चों ने बाजार में मोमबत्तियां जलाकर रैली निकाली और शहीद की याद में देशभक्ति के गीत भी गाए। बच्चों के साथ साथ नौणी पंचायत के प्रधान सहित ग्रामवासी भी मौजूद रहे और उन्होंने शहीद की तस्वीरों पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्कूल के निदेशक डॉक्टर सुनील ने कहा कि चिन्मय विद्यालय न सिर्फ पुलवामा में शहीद हुए भारतीय जवानों के परिवारों के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है, बल्कि अभी तक देश के लिए शहादत देने वाले सभी जवानों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व निःशुल्क बोर्डिंग सुविधा देगा। हम चिन्मय विद्यालय के सभी छात्र, अध्यापक, प्रिंसिपल, नौणी पंचायत के प्रधान, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। देश के शहीदों को उन्हें बलिदान दिया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम इनके बलिदान को नमन करते हैं। आप अगर यहाँ देखेंगे जितनी मोमबत्तियाँ हैं उनमें से एक भी नहीं बुझी। इसी तरीके से ये दिए हमारे दिल में हमेशा जलते रहेंगे। हम इनके बलिदान को कभी नहीं भुला सकते। जितने ना कि सिर्फ ये 40 जिन्होंने बलिदान दिया है, इनके अलावा जितने हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शहीद हैं उनके परिवार, उनके जितने बच्चे हैं, हम ये घोषणा करते हैं चिन्मय विद्यालय की तरफ से, कोई भी बच्चा, कोई भी परिवार हमारे पास आएगा, हम बच्चों को मुफ्त शिक्षा, ना कि सिर्फ शिक्षा, उनको हम बोर्डिंग स्कूल में रखेंगे, उनका खाना पीना रहना फीस सब मुफ्त होगा। हम किसी भी बच्चे को रिफ्यूज नहीं करेंगे, कोई भी बच्चे को यहाँ पर भेज सकते हैं, हम उनको मुफ्त शिक्षा, मुफ्त खाना, मुफ्त रहना, मुफ्त फीस प्रोवाइड करेंगे। टुडे के लिए सोलन से चिन्मय की रिपोर्ट।